तो भाई सच बताऊं तो मेरा ये वीडियो शूट करने का बिल्कुल ही मन नहीं है, लेकिन दिल कुछ कहना चाहता है, बहुत सारी बातें हैं अंदर, और मुझे लगा कि आप लोगों से ज़्यादा बेहतरीन लोग कौन होंगे जिनके साथ मैं ये बातें शेयर कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूं वो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। और वो कहा जाता है ना कि दुख बांटने से कम होता है। देखो, हम सब जानते थे कि ये जो फाइनल खेला जा रहा है, जब ये फाइनल का अंत होगा ना, या तो पूरा देश जो है वो खुशी के मारे झूमने लगेगा, या पूरा देश जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और कुछ वैसा ही हुआ है, पूरा देश मातम में डूब चुका है और डूबना बनता भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ हारे नहीं हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम हारे तो हैं लेकिन हमारे पास कुछ बोलने को नहीं है। देखो, जब हारने के बाद ना कोई गरियाने वाला हो, कोई सुनाने वाला हो, तो थोड़ी सी मन की भड़ास निकल जाती है, लेकिन इस बार हमने सब कुछ कर दिया था यार, सब कुछ अच्छा हुआ था, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जो खराब हुई हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब लक्ष्य की प्राप्ति ना हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार कोई है जो नाइंसाफी कर रहा है। जब आप सालों साल पढ़ते रहें, सालों साल सब कुछ आप कर दें, जितना आप झोंक सकते हैं सब कुछ झोंक दें, लेकिन उसके बाद भी एकदम अंतिम मौके पे मात्र एक अंक से आपका एग्जाम ना निकले ना, तो ऐसा लगता है कि साला किस्मत ही अपनी खराब है। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुदरत ही नहीं चाहती है कि कुछ अच्छा हमारे साथ हो। मैं बता दूं कि इस वीडियो में ना ही आपको कोई ऐसे पंचेस देखने को मिलेंगे, ना ही कोई मीम्स देखने को मिलेंगी, ना ही मेरी आवाज़ में आपको एक शोर सुनने को मिलेगा, क्योंकि भाई मन नहीं है। क्योंकि शोर या फिर जो उत्तेजना अंदर से आती है, जो एक्साइटमेंट आती है ना, उस एक्साइटमेंट के लिए एटलीस्ट छोटा सा कोई रीज़न तो चाहिए होता है कि यार चलो ज़िंदगी में ये एक चीज़ तो अच्छी चल रही है ना, भले सब कुछ ख़राब चल रहा हो लेकिन ये एक चीज़ तो अच्छी चल रही है ना, तो ये सोच के थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। मैंने याद है ना कहा था कि भाई अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई तो उसके बाद तो साला मौत भी आ जाए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कल के दिन जो दृश्य देखने को मिले, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये दृश्य देखने से पहले ही मौत आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। एक तरफ जहाँ हम इस दुख में डूबे हुए थे कि यार फिर से पनौती, फिर से कांड, फिर से वही चूतियापा, क्यों हो रहा है, गलत क्या किया है, रोहित शर्मा ने क्या नहीं किया यार, क्या नहीं किया उस बंदे ने, इतनी शानदार बैटिंग, उसने अपने खेलने का तरीका बदल दिया, उसने कहा भाड़ में जाए साला सब कुछ, मुझे कुछ भी करके वर्ल्ड कप उठाना है। विराट कोहली ने क्या नहीं किया, साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन मारे, साल 2023 के ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन मारे, जब जब जरूरत थी तब तब परफॉर्म करा। मतलब यार दो पल के लिए मैं भी भगवान होता ना, मैं हूं नहीं पर मैं भी भगवान होता तो यार इस इंसान को मैं क्यों नहीं जिताता वर्ल्ड कप, क्या मुझे चाहिए इस इंसान से। भाई हर किसी ने सब कुछ किया, लोग कहेंगे कल KL राहुल ने स्लो खेल दिया, ये हो गया वो हो गया, यार ठीक है हर इंसान हर मैच में अच्छा नहीं खेलता है, पर KL राहुल ने शानदार बैटिंग करी पूरे वर्ल्ड कप में, श्रेयस अय्यर ने करी, जडेजा ने कमाल किया, कुलदीप ने किया, बुमराह शामी ने तो बोटियां झोंक दी भाई, बुमराह की भाई तुम ताकत देखते, वो ऐसे बॉलिंग करा रहा था, वो बुमराह जो विकेट लेने पे ना सेलिब्रेट तक नहीं करता था, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है यार मेरे को तो विकेट मिलते रहते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप शामी बुमराह का सेलिब्रेशन देखते हर विकेट के बाद, पता चल रहा था कि कितना मर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और जब वो मर रहे हैं तो सोचो रोहित शर्मा और विराट कोहली तो कितने मर रहे होंगे। मैं कह रहा हूं ना, मेरे को दुख सिर्फ इंडिया के हारने से नहीं हो रहा था, उस दुख को तो मैं शायद कुछ दिन बाद पचा लेता, लेकिन मैच हारने के बाद वो रोहित शर्मा हल्के हल्के आंखों में आंसू लिए जब पवेलियन की तरफ भाग रहा था ना, कि भाई जल्दी से जाऊं और जाके फूट पड़ूं, मैं टूट गया था भाई। मतलब सिर्फ एक विश मांगी थी मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, कि वर्ल्ड कप का अंत चाहे जैसा भी हो लेकिन मैं कोहली को फिर से वो मुंह पे टोपी डाल के पवेलियन जाते हुए देखना नहीं चाहता हूं। लेकिन नहीं, कुदरत ने अलग ही भसड़ अपनी पाली हुई है। भाई क्या गलत हो रहा है उससे, कोई इतने शानदार इंसान के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। पता है लाइफ में यही मोमेंट होते हैं जो कभी कभी मन में आपके ये डाउट पैदा कर देते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, क्योंकि यार इतना बुरा तो यार कोई नहीं कर सकता, इतने जबरदस्त इंसान के साथ रोहित शर्मा कोहली जिन्होंने सब कुछ कर दिया भाई, सब कुछ कर दिया, इनके साथ कोई ऐसा करे तो मतलब भाई वो भगवान तो नहीं हो सकता।
पता है, वैसे तो हम कहते हैं ना कि पूरे 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होते हैं, इतने ज्यादा बेहतरीन, इतने ज्यादा सत्कर्म रहे होते हैं कि ऊपर वाला कहता है कि जा जाके इंसान बन, सबसे बेहतरीन जीवन जी के आ। पर मुझे पता है क्या लग रहा था कल के दिन, कि हम साला इतनी घटिया जिंदगी के हिस्सा हैं, मतलब हमारी जिंदगी उन सबसे घटिया जिंदगियों में से एक है जिसमें हम रोहित शर्मा और कोहली को इस तरीके से देख रहे हैं। हमें नहीं चाहिए थी यार ऐसी जिंदगी, और अगर मिली थी जिंदगी तो हम ये दृश्य नहीं देखना चाहते थे उसमें। अब आपको लगता है कि ये दृश्य देखने के बाद हम कभी भी खुशी से रह पाएंगे? हाँ ठीक है, वक्त के साथ लोग सब भूल जाते हैं, हम भी भूल जाएंगे। कल की वीडियो में मैं वापस से आपको चिल्लाते हुए दिख रहा हूँगा, वापस से कोई प्रमोशन करते हुए दिख रहा हूँगा, ठीक है, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन भाई एक कसक होती है, एक दर्द होता है जो मरते दम तक ना आपका साथ नहीं छोड़ता है। जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है या जिन लोगों के साथ जीवन में बहुत बड़े हादसे हुए हैं ना, वो इस बात को समझ सकते हैं कि चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी भी खुशियां आ जाएं, चाहे जितना पैसा आ जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा एक होल हो जाता है ना, गड्ढा हो जाता है, वो भरता नहीं है। कल जब रोहित शर्मा और कोहली का वो दृश्य देखा ना, उनको वैसे रोते हुए देखा, तो भाई ये गड्ढा बन गया इधर। अब चाहे उसमें कुछ भी भर दो, चाहे दुनिया का कोई भी इलाज करा लो, ये वो वाला गड्ढा नहीं है जो मशीनों से भरेगा, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भरती है, वो वाला गड्ढा नहीं है, ये बन गया है परमानेंट। क्योंकि पता है कि अब रोहित शर्मा अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अगर इस गड्ढे को भरना भी है ना, सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी कि साला अगली बार रोहित शर्मा और कोहली को हम वर्ल्ड कप जीतते हुए देखें साथ में, अकेले नहीं देखना है मेरे को। हाँ ठीक है, अकेले जीत जाएंगे तब भी खुशी होगी, लेकिन साला जिस जिंदगी को मैंने जिया है, वहां मैंने अपना मेजॉरिटी क्रिकेट इन लोगों को साथ में खेलते हुए देखा है। लोगों के लिए रहे होंगे सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन मुझे जो बड़ी खुशी, असल खुशी मिली है, वो इन लोगों को खेलते हुए देख के मिली है। मुझे इन लोगों को जीतते हुए देखना था। हाँ खुशी है कि भाई मैंने सचिन तेंदुलकर को जीतते हुए देखा है, खुशी है कि मैंने MS धोनी को देखा है, चलो उनके एरा का तो मैं हिस्सा रहा हूं अच्छा खासा, लेकिन इनको जीतते हुए देखते यार तभी तो चीजें कंप्लीट होती। मैंने कहा था ना कल की वीडियो में, जब मैच शुरू नहीं हुआ था, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि यार हर क्रिकेट फैन की जिंदगी में एक 10-15 साल का एरा आता है जहां वो ऐसे क्रिकेटरों का फैन बन जाता है कि उस तरीके का फैन वो उसके बाद किसी और क्रिकेटर का नहीं बन पाता है। वो क्रिकेट फॉलो तो करता है, लेकिन वो जो पागलपन उसका उन 10-15 सालों में कुछ लोगों की वजह से जुड़ा हुआ था ना, कुछ लोगों की वजह से वो क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा जुनूनी बना हुआ था ना, वो जुनून उसका खत्म तो नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अब चाहे आने वाले वक्त में इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, अगर ये लोग नहीं होंगे ना, तो भाई मैं वैसे झूम नहीं पाऊंगा जैसे मैं कल झूमता। भाई कल के दिन जब विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेने आया ना, और जैसा चेहरा उसने बना रखा था, मतलब इतने ज्यादा रन मार के कि भाई सेकेंड नंबर पे जो बंदा है वो आपसे कोसों दूर है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद लाखों लोगों के सामने उस वर्ल्ड कप का इंडिविजुअल सबसे बड़ा अवार्ड लेने के बाद भी पता चल रहा था बंदे को देख के कि क्या फायदा साला ये सबका, ऐसी तो हजारों ट्रॉफी घर पे पड़ी है, जो नहीं था वो चाहिए था, जिसके लिए सब कुछ झोंक दिया था, साला पैर दर्द हो रहा था तब भी खेलते रहे, क्रैम्प्स आ रहे थे तब भी डटे रहे, लोग कुछ भी बोलते रहे लेकिन तब भी काम करते रहे, लेकिन मिला क्या घंटा। पता है यही पल होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें यह महसूस कराने लगते हैं कि साला देखो बहुत शानदार इंसान बन के भी कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई अच्छे से अच्छे लोगों के साथ भी ना इतना बुरा होता है कि कोई सोच नहीं सकता। जब विराट कोहली के टैलेंट, जब विराट कोहली जैसे इंसान के साथ ऊपर वाले ने इंसाफी नहीं करी, तो मैं क्या हूं, मैं तो साला चूतिया हूं। जब रोहित शर्मा जैसे इंसान से ऊपर वाले ने यह कह दिया कि मैं तुझे अब भी वर्ल्ड कप नहीं जीतने दूंगा, तूने जिंदगी में जितनी मेहनत करी जिस एक चीज के लिए, मैं तुझे अब भी नहीं दिलाऊंगा और तुझे क्रिकेट छोड़ के जाना होगा बिना उस सपने को अपने हाथ में लिए, तो भाई मैं क्यों करूं मेहनत। जब इतने शानदार, जैसा मैंने कहा, इतने बेहतरीन, इतने कमाल के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वो जो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे मांग रहे हैं, भाई एक इंसान अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के अनुसार जो भी कर सकता है
वो सब कुछ करने के बाद भी जब चीज ना मिले ना, तो भाई देखो ये मान लो जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है ना उस साला घंटा नहीं मिलेगा। बाकी देखो भाई क्या ही कहूं, यही कहना चाहूंगा कि इंडियन टीम आपने शानदार खेला, एक नंबर खेला, आपने कुछ भी खराब नहीं करा है, कोई कुछ बोले सुनना नहीं, आपने एक नंबर परफॉर्मेंस दी है। मैं जानता हूं कि इन शब्दों से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपको पाना था वो आपको नहीं मिला। अब चाहे कोई कुछ बुरा बोले अच्छा बोले, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जो किया है ना उससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक है वर्ल्ड कप नहीं आया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई नहीं, भाड़ में जाए वर्ल्ड कप। आपने जिस लेवल का खेल दिखाया है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ना, वही हमारे लिए वर्ल्ड कप है। एक नंबर आप खेले हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, और कभी भी इस वर्ल्ड कप को इस चीज के लिए याद नहीं करा जाएगा कि इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में 1% भी कोई चूक करी। मैं तो हमेशा इस वर्ल्ड कप को इसी तरीके से याद रखूंगा कि भाई बस कोई था जो नहीं चाहता था, कुदरत थी जो नहीं चाहती थी कि इन लोगों के साथ अच्छा हो, इसलिए अच्छा नहीं हुआ। सिंपल, कोई मुझे पागल कहे, कुछ भी कहे, सनकी कहे, मेरे को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा खेले आप लोग, बाकी खत्म करो यार, आज बोलने का मूड नहीं है, कल वापस से फॉर्म में आएंगे, सब कुछ जैसा होता है वैसे ही होगा। बाकी लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो, आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडियन टीम वेल प्लेड, जय हिंद, धन्यवाद।